दिक्कत नहीं आएगी। अगर मेरा पूरा लेक्चर देख लोगे तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे यार, तुम्हें 100% समझ में आएगा। ईच ऑफ द टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, दो हमारे पास स्ट्रिंग है, इनकी लेंथ ऑलरेडी मेंशन है 5.16 एंड 40 इतना है, दो लेंथ है, टेंशन दिया हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ म्यू दिया हुआ है। व्हेन द स्ट्रिंग वाइब्रेट सिमल्टेनियसली द नंबर ऑफ बीट्स, हम लोग पर दो स्ट्रिंग है, चलो एक स्ट्रिंग में ये मान लेता हूँ दोनों साइड अटैच है और एक स्ट्रिंग ये, दोनों को एक साथ वाइब्रेट कर दिए तो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो गया और फ्रीक्वेंसी जनरेटर के बाद F1 माइनस F2 का जो डिफरेंस होगा वही हमें बीट्स देगा, बराबर है। ये सवाल है, इसको एक बार ऑसिलेट करा दिए और एक बार कुछ इसको ऑसिलेट करा दिए तो हम लोगों को जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा, वही बीट्स देगा। तो इस टाइप के केस में फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी लिखते हैं वी बाई अपॉन 2L, और वी की वैल्यू कितनी भैया, तो 1/2L और वी की वैल्यू टी बाई म्यू अंडर रूट, ये होती है। अब इन दोनों के लिए लगा देते हैं, पहले के लिए लगाऊं तो 1/2, पहले वाली की लेंथ कितनी है देखो, दिया होगा इसका 51.6 सेंटीमीटर है, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 0.516 और टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 20 और म्यू, म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ 1 ग्राम है, तो म्यू जो है एक्चुअली मास पर यूनिट लेंथ है और 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम 0.001 के आसपास एग्जैक्ट आ जाएगा, तो 0.001 अंडर रूट, इसको ऐसे ही रहने देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो दूसरे की लेंथ है 49.1, बाकी सब सेम ही रहेगा, तो दूसरे की जो लेंथ है F2, दूसरे की वो आ जाएगी 2 और ये आ जाएगा 49.1, तो ये पॉइंट लगा देता हूँ और ये 20 और डिवाइडेड 0.0001 अंडर रूट। अब हमें क्या निकालना बोलो, बीट्स निकालना है, तो बीट्स निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड ले लूँ, तो F1 माइनस F2 मॉड, इन दोनों को डिफरेंस लो लोगे तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2 और 20.0001 रूट के अंडर और ये ब्रैकेट में 0.516 माइनस 0.491, इसको कैलकुलेट कर लेना तुम अपने हिसाब से, तो यह आ जाएगा 7 बीट्स, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना तुम, तो इस तरह से आप समझ गए होगे, बहुत आसान है, बेसिकली दैट इज 7 बिट्स आ जाएगा, बराबर है। नेक्स्ट